सिद्धू ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। झारखंड के धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद के लिए रैली करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया। ऐसा छक्का मारो कि मोदी हिंदुस्तान की बाउंड्री पार। सेबी ने को लोकेशन मामले में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दो पूर्व एमडी को दोषी पाए जाने के बाद एनएससी पर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना और 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान के चुरू में पारा 45 डिग्री पहुंचने के बाद गर्मी और लू से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। एक पादरी से 16 करोड़ बरामद कर उसमें से 6 करोड़ गायब करने के मामले में पंजाब पुलिस ने केरल से दोनों आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिए। केंद्र सरकार एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे शौर्य को जेड श्रेणी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 10 लोकसभा उम्मीदवारों को कमांडो सुरक्षा देगी। चुनाव आयोग ने सूरत में विवादास्पद बयान देने के मामले में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू बघानी पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने लखनऊ में पीएम मोदी पर निशाना साधा। जो माहौल है, जो रखवाला है, वही देश के साथ गड़बड़ कर रहा है। दिल्ली सरकार ने देर से दफ्तर पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों की कैजुअल लीव काटने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि शास्त्री भवन में लगी आग में कोई भी फाइल नहीं जली।